क्या है। ध्यान के क्या अर्थ होते हैं। ध्यान करना और ध्यान रखना पहले समझ लेना होगा। ध्यान कुछ न करना ध्यान है, लेकिन कुछ न करने की बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए कुछ न करने समझने के लिए कुछ करना होगा। करते करते न करने की दशा आएगी। लेकिन कुछ न करने का अर्थ निकम्मा आलसी होकर बैठना नहीं है। जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक हर आदमी को कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए। शारीरिक परिश्रम करते रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, कुछ उपार्जन होता है और दूसरों की सेवा होती है। कुछ न करना का अर्थ है मन का कुछ न करना। मन का कुछ न करने का अर्थ कुछ न सोचना, एब्सेंस ऑफ थॉट्स। अंतिम दशा यही है, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ थॉट्स। कुछ न सोचना, विचार रहित, जिसको सांख्य दर्शन में कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मन। मन का निर्विषय हो जाना, विषय का मतलब पदार्थ। हमारा मन जब भी कोई सोचेगा, कुछ भी सोचेगा, तो किसी पदार्थ, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा उसके सामने जरूर, चाहे वो पदार्थ मूर्त हो, मतलब स्थूल पदार्थ, या अमूर्त हो, इमेजिन हो, केवल कल्पना हो। पदार्थों से रहित होकर हमारा मन सोच ही नहीं सकता है। सोचना मतलब विचार, चिंतन। देखो, विचार और चिंतन की आवश्यकता होती है व्यवहार के लिए। किसी तथ्य के बारे में गहराई से जानने के लिए इस चीज अलग है, पर समय से विचार किया जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रसंग है, वह प्रसंग यह है कि ध्यान क्या है। कुछ न करना, मन का कुछ न करना, मन का पूरी तरह से मौन,
शांत हो जाना, ये हमारे मंजिल है, डेस्टिनेशन है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत करना होगा, करने के लिए ध्यान, करने के लिए ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ध्यान रखने की बात है। जो ध्यान नहीं रखता है वह ध्यान नहीं कर पाएगा, ध्यान को समझ नहीं पाएगा। ध्यान रखने का मतलब जो भी काम करना है पूरी सावधानी के साथ, जागरूकता के साथ। ध्यान रख करके चलोगे ठोकर नहीं लगेगी, कीचड़ में, पानी में, कंकड़ में पैर नहीं पड़ेंगे। ध्यान रख करके खाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे, गलत नहीं खाओगे, फिर वही खाओगे जो शरीर के लिए आवश्यक होगा, उचित होगा, लाभदायी होगा। ध्यान रख करके बोलेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे, चुभने वाली बात, कटु बात नहीं बोलेंगे। ध्यान रख करके पढ़ेंगे तो वही चीज पढ़ेंगे जो आवश्यक होगा और बढ़िया ढंग से पढ़ाई होगी। ध्यान रख करके काम करेंगे, काम बढ़िया होगा। खाने में ध्यान रखें, पीने में ध्यान रखें, बोलने में ध्यान रखें, चलने में ध्यान रखें, उठने बैठने में ध्यान रखें, बात करने में ध्यान रखें, सोचने में ध्यान रखें, हर बात में ध्यान, हर बात में सावधानी। जब हर बात में हम ध्यान रखना सीख जाएंगे तब हमारी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि मन बहुत चंचल है। ध्यान रखने का मतलब सावधानी में, जागरूकता। रेलवे यार्ड में लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अलर्टनेस गॉन मिसहैप अकर्स। ये केवल बाहर की बात नहीं है, भीतर की भी बात है। जरा सा हम असावधान होते हैं हमारा मन पता नहीं क्या से क्या सोचना शुरू कर देता है, बेकार बेकार मुर्दा बातों को सोचना शुरू करता है। इसलिए हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है। फहम आगे, फहम पाछे, फहम दाहिने देर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। फहम, फहम का तो मूल अर्थ होता है समझ। लेकिन समझ में सावधानी अपने आप है, फहम ठीक से समझ में गहराई से वो चीज समझना, इसमें सावधानी अपने आप आ जाएगी। सद्गुरु कबीर कहते हैं आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाएं सावधानी, बाएं सावधानी, सावधानी पर सावधानी, निरंतर सावधानी, निरंतर जागरूकता हर बात में।
जब निरंतर जागरूकता, जागरूकता जब हमारा स्वभाव बन जाएगी तब ध्यान करना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जागरूकता को अपना स्वभाव बनाना होगा। हम जागरूक होकर काम थोड़े कर पाते हैं, बेहोशी में काम करते हैं, असावधानी में। इसीलिए हमारा मन चंचल तो रहता ही है, दुख पीड़ा तनाव अवसाद इन सब में डूबा रहता है। क्यों तनाव है मन में, क्यों टेंशन है या डिप्रेशन है मन में? जितने भी टेंशन या डिप्रेशन है मूल में है असावधानी, अनवेरीनेस। ये अनवेरीनेस है, ये एक मैलेडी है, बीमारी। जो साधारण रहेगा, हर समय जागरूक, जिसकी समझ परिपक्व है, टेंशन या डिप्रेशन, चिंता और भय, तनाव और अवसाद उसके पास आएंगे ही कैसे? चिंता का कारण असावधानी, नासमझी। भय का कारण असावधानी, नासमझी। इसलिए ध्यान का पहला अर्थ होता है सावधानी, हर बात में सावधानी। साधारण रहेंगे, मन स्वाभाविक शांत रहेगा, एकाग्र होगा। ध्यान का अर्थ मन की एकाग्रता, ये एकाग्रता ही कभी भी एक प्रवेश द्वार है मन का, ध्यान का। एकाग्र का अर्थ क्या है? एक अग्र, एकाग्र जो शब्द है ये दो पदों के मिल से बना है, एक और अग्र, दोनों को मिला दें एकाग्र हो जाएगा। अग्र सामने, एक तो एक ही है अकेला, अलोन। मन के सामने एक विषय का होना, जैसे हमने कहा था कि केवल सांसों को देखना है, एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, एक विषय, उसी पर केंद्रित रखेंगे मन को, बस एकाग्र होगा। बाहर बात आएगी नहीं, चिंता होगी नहीं, कुछ सोचेगा ही नहीं मन। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा कभी ध्यान लग सकता नहीं है, लगेगा ही नहीं, कितना भी कितनी भी मेहनत कर ले। और एकाग्रता की आवश्यकता हर जगह है, हर समय है। एकाग्र होकर पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे बातें दिमाग में बैठती चली जाएगी। घंटों पढ़ रहे हैं, मन एकाग्र नहीं है, चंचल है, क्या पढ़ा समझ में आना नहीं है। एकाग्र होकर के आधे घंटे ही आप ठीक से पढ़ाई करें तो आधे घंटे की पढ़ाई बिना एकाग्रता की चार घंटे की पढ़ाई से भी बेहतर होगी। एकाग्र होकर भोजन बनाएं,
भोजन बढ़िया बनेगा। एकाग्र होकर काम करें, काम बढ़िया बनेगा। तो हर क्षेत्र में एकाग्रता। और एकाग्रता की कितनी आवश्यकता है, हम सहज समझ सकते हैं। चंचल मन शांति का अनुभव कैसे करेगा, चंचल मन प्रसन्न कैसे होगा? वो तो बेकार बातों को सोचता रहेगा। हर आदमी के भीतर शांति का, प्रसन्नता का, सुख और आनंद का अक्षय भंडार है। एकाग्रता उस अक्षय भंडार को खोलने की चाबी है। कहा गया है, सेल्फ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज सच ए की एज ओपन्स इनर लास्टिंग पीस। पीस अबाइड्स सेल्फ कंसंट्रेशन। मन की एकाग्रता एक ऐसी कुंजी है जो भीतर के अनंत शांति के भंडार को खोल देता है। शांति केवल मन के कंसंट्रेशन में, मन की एकाग्रता में है। चंचल मन अशांत बना रहेगा। तो सबसे पहले हमारा काम है मन की एकाग्रता। जितना जितना हमारा मन एकाग्र होता जाता है, उतने ही हमारी ऊर्जा जो बाहर प्रवाहित हो रही है, उस ऊर्जा का संचय होता चला जाता है। हम कुछ भी करते हैं, हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। शरीर की जो शक्ति है वो घटती है। बोलने में, करने में, चलने में, हर काम में। और शरीर की जो हमारे मन की जो ऊर्जा है, मन की जो शक्ति है, एनर्जी है, सबसे अधिक इसका लाश होता है निगेटिव थिंकिंग में, टेंशन में, डिप्रेशन में, क्रोध की स्थिति में। जब जब हमारा मन विकारी बन जाता है, उस समय जो ऊर्जा का क्षरण होता है भयंकर होता है। एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का लोभ, एक क्षण आप चिंता या तनाव में डूबते हैं, लगता है शरीर की शक्ति घट गई है। तन की भी शक्ति और मन की भी शक्ति। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, बेकार बातें नहीं सोचता, निगेटिव बातें नहीं सोचता, अनावश्यक बातें नहीं सोचता, ईर्ष्या या द्वेष या घृणा की बातें नहीं सोचता, प्रसन्न रहता है, शांत एकाग्र अंतर्मुख रहता है। हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा संचित रहती है। कहीं भी आप, ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका मन कितना एकाग्र होता है, वो कितनी गहराई से वो सोचते हैं। क्यों मन चंचल रहता है, इतनी गहराई से सोचते। आज हम आश्चर्यजनक वैज्ञानिक विकास देख रहे हैं, इसके मूल में क्या है? मन की एकाग्रता। बढ़िया कविता लिखते हैं कवि लोग, कैसे लिखते हैं? चंचल मन से लिखेंगे?
बढ़िया लेख लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, चंचल में थोड़ी लिखेंगे। कोई भी काम हो, जब हमारे ऊर्जा संचित हो जाती है, फिर वो संचित ऊर्जा काव्य में, कला में, कौशल में, विज्ञान में, संयम में, साधना में, सेवा में वो लग जाती। फिर हम कुछ दुनिया की से अपना तो काम करते ही करते हैं, दुनिया की सेवा भी कर पाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाए रखने के लिए ध्यान, मन की एकाग्रता आवश्यक है। ये उदाहरण बार बार दिया जाता है कि जब हमारा मन एकाग्र होता है तो कैसे उसमें से एक शक्ति प्रकट होती है। रोज सूरज निकलता है, सूरज के प्रकाश में हम काम करते हैं, गर्मी के दिनों में सूरज के प्रकाश में कितनी उष्णता होती है, ठंडी दिनों में सूरज की गर्मी कितनी आनंददायक लगती है, लेकिन गर्मी दिनों में परेशान कर देती है। लगता है कि ये सूरज सब कुछ ला करके राख कर देगा, लेकिन कहीं आपने देखा है कि सूरज की गर्मी से आग लगते हुए जेठ की दोपहरी में प्रचंड लू चलती है, पेड़ पौधे सब झुलस जाते हैं, प्राणी जगत के बाद ये पेड़ पौधे भी झुलस जाते हैं एकदम, लेकिन आग नहीं लगती है। किंतु उसी सूरज की किरण को एक मैग्नीफाइंग शीशा के द्वारा किसी एक बिंदु पर आप केंद्रित कर दें, एक मिनट में आग लग जाएगी, वहां वो किरण केंद्रित हो गई, बस आग लग गई। बस समझ सकते हैं कि हमारे मन की एकाग्रता में कैसी शक्ति है। इसलिए बेकार सोचना बंद करें, निगेटिव सोचना बंद करें। जितने आप बेकार सोचे, निगेटिव सोचोगे, तन और मन दोनों की ऊर्जा अनावश्यक खपत होती रहेगी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। खाना पीना कोई काम थोड़े है, तो मजबूरी है। तो ध्यान का अर्थ है मन की एकाग्रता। ध्यान कर वर्तमान में जीना, प्रेजेंट टाइम में जीना। एक विद्वान से एक अंग्रेज ने पूछा, व्हाट इज द मेडिटेशन। वो कुछ बात कर रहे थे मेडिटेशन के, ध्यान के बारे में। उन्होंने अचानक पूछ लिया उससे, व्हाट इज द मेडिटेशन। तो उन्होंने लिखा है, मेडिटेशन इज टू कीप योर मेंटल कार इन न्यूट्रल गियर। मेडिटेशन इज टू कीप योर मेंटल कार इन न्यूट्रल गियर। अपनी मानसिक गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखना। आपका गाड़ी है, बाइक है, कार है, कोई भी है, आप स्टार्ट करते हो, न्यूट्रल गियर में आपकी गाड़ी है, कहां जाएगी गाड़ी आपकी, आगे या पीछे। स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन से आवाज आ रही है, लेकिन न्यूट्रल गियर में गाड़ी है, बस खड़ी रही गाड़ी ना आगे। रिवर्स गियर लगाओगे गाड़ी पीछे जाएगी, पहला दूसरा या कोई अन्य गियर लगाओगे गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन न्यूट्रल गियर में गाड़ी कहां जाएगी, खड़ी रहेगी। अपने मानसिक गाड़ी को, अपने मन की गाड़ी को, अपने मन को
न्यूट्रल गियर में रखिए, न भूत की चिंता में, भूत की याद में दौड़ाए, न भविष्य की कल्पना में दौड़ाए, प्रेजेंट वर्तमान में होना। अब वर्तमान में होंगे कोई दुख नहीं होगा, चिंता और भय, टेंशन और डिप्रेशन का कारण क्या है? या तो हम भूत में जीते हैं मुर्दा में, या हम भविष्य में जीते हैं कल्पनाओं में। भूत की स्मृति ना हो, भविष्य की चिंता ना हो, टेंशन किस बात की? हम वर्तमान में कहां जीते हैं? वर्तमान अभी है। 5 मिनट पहले का समय बीत गया, अब लौट कर आएगा नहीं। 5 मिनट आगे वाला समय क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो हम है ना। यदि हम वर्तमान में जिए, वर्तमान में रहें, कोई गलत बात नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में जीना कहां आता है हमको? सोचें, क्या आप वर्तमान में जीते हैं? अधिकतम तो हम मुर्दा के मुर्दों के बीच जीते हैं, मुर्दा क्या है? मैंने कहा बीती बातों का स्मरण, मुर्दों के बीच जीना है। बीती बातों से, पुरानी घटनाओं से अब प्रेरणा लें कि मैंने भूतकाल में ऐसा गलत काम किया था, उसका यह गलत परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, ऐसा घाटा उठाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा, इसलिए अब मुझे वैसा गलत काम नहीं करना है। ये प्रेरणा लेने के लिए उसकी याद करो, मैंने गलत चीज खाई थी इसलिए शरीर में गर्मी हो गई थी, उत्तेजना हो गई थी, बीमारी हो गई थी, मुझे गलत चीज नहीं खाना है। प्रेरणा लेने के लिए स्मरण करो, मैंने गलत बात बोल दी थी इसलिए विवाद खड़ा हो गया था, झगड़ा बढ़ गया था, मुझे गलत बात नहीं बोलना है। ये बात प्रेरणा लेने के लिए उसकी याद करें। लेकिन प्रेरणा लेने के लिए हम याद कहां करते हैं? बेकार। अमू जगह गया था, उसने मुझे मेरा ठीक से स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया। पत्नी ने 2 महीना पहले ऐसी बात कह दी थी, पति ने 2 महीना पहले ऐसी बात कह दी थी, अब सोच सोच के परेशान हो रहे हो। पिता ने ऐसी बात कही थी, बेटा ने ऐसी बात कही थी, गुरु ने कही थी, चेले ने कही थी, किसी से पूछा गया। अमुक आदमी से पहले तो तुम्हारा अच्छा मेल जोल था, अच्छा व्यवहार था, अब तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता है, क्या कारण है? कहता है उन्होंने ऐसी बात कह दी थी कि एकदम मन में आग लग गई, तब से हमारा संबंध खत्म। जब कही थी तब कही थी, लेकिन आग अभी भी जल रही है। कब तक जलाओगे अपने आप को? पत्नी ने कोई गलत बात कह दी उत्तेजना में आकर, पति ने कोई बात कह दी उत्तेजना में आकर, जब कही थी, हो सकता है कहने के बाद उसने पश्चाताप किया हो, उसे अपनी भूल महसूस हुई हो, लेकिन 2 महीना 4 महीना हो गया उस बात की आग में अपने को जला रहे हो। बड़ी समझदारी ना, आप बहुत समझदार आदमी हैं।
इस समझदारी किस काम की, कोई भी हो, ये मुर्दा बातों में जियोगे, इन मुर्दा बातों की याद करते रहोगे, ये सुंदर जीवन नरक में व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए मुर्दा बातों से, पुराने बातों से प्रेरणा तो लो, सोच सोच करके परेशान मत हो, जी को जलाओ मत। भविष्य क्या होगा कुछ पता नहीं है, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, बीमारी होगी तो दवा होगी कि नहीं होगी, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, व्यापार बंद हो जाएगा तो क्या होगा, खेती डूब जाएगी, अकाल पड़ जाएगा तो क्या होगा, ये बाल बच्चे साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, होता था चलते फिरते मर जाओ तब क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना, चलते फिरते फिरते मर जाए, बुढ़ापा के की नौबत ही ना आए, क्यों बेकार। न हुआ दुख भोगना, भविष्य की कल्पना की चिंता में डूबे रहना, न हुआ दुख भोगना। अरे जो दुख अभी वर्तमान में है वो झेल लो, जो दुख हुआ ही नहीं है, आएगा या नहीं आएगा पता ही नहीं है, वो दुख से परेशान रहना, इससे बचने के लिए प्रेजेंट में होना, वर्तमान में होना है। इसलिए कहा कि अपने मन की गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखो, केवल वर्तमान, केवल वर्तमान, अभी मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, अभी अच्छा से अच्छा रहो, अच्छा से अच्छा बोलो, अच्छा से अच्छा करो, अच्छा से अच्छा सोचो, बस हर समय आना। लेकिन हम वर्तमान में जीना नहीं जानते, आज का जो सुनहरा समय है भूत की स्मृति में या भविष्य की कल्पना में खो देते हैं, तो ध्यान क्या है, वर्तमान में होना। कोई दुख नहीं, पूरा आनंद, पूरी शान, क्लेश रहित मन, तनाव रहित मन, पीड़ा रहित मन, अवसाद रहित मन, जीवन का आनंद आप लेना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना होगा। हम वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं, ध्यान अपने में होना, अपने में लौटना, हम अपने में नहीं होते हैं, अपने में लौटने में हम लौटते कहां, संसार में जी रहे हैं, अपने मतलब अपना आत्मभाव, चेतन का भाव। जैसे हम आप रोज सोते हैं, गाढ़ी नींद हमारी लग जाती है, अभी जाग रहे हैं हम, पता नहीं कौन कौन सी खुराफातें दिमाग में चल रही है, कहां के की बातें हमारा मन सोच रहा है, पीड़ा में हम डूबे हुए हैं, सोते हैं, अर्धनिद्रित अवस्था होती है जिसे हम स्वप्न कहते हैं, उस समय भी हम कुछ न कुछ देखते रहते हैं, स्वप्न में कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो बातें भरी हुई है अचेतन मस्तिष्क में, उनके संस्कार प्रकट हो जाते हैं,
कभी हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, किसी मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, रोते हैं, गाते हैं, क्या क्या दृश्य देखते हैं। सूक्ष्म जगत, मनोमय जगत हमारे सामने रहता है। सुखी दुखी मिलना बिछुड़ना है, लाभ के में हम पछते रहते हैं उस समय भी। लेकिन जब गाढ़ी नींद लग गई, प्रगाढ़ सुषुप्त जिसे कहते हैं, उस समय हम अपने में होते हैं, स्वयं में होते हैं। ऐसा नहीं कि हम मुर्दा हो गए हैं, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो समाप्त हो गया है। यदि हम समाप्त हो गए होते तो फिर जागते कैसे? गाढ़ी नींद में हम अपने में होते हैं, उसमें कितनी शांति होती है। उसमें शांत के जागृति में बनी रहती है। गाढ़ी नींद में आप करते क्या हो? कुछ नहीं करते आप, बस अपने आप में है। मैंने कहा था ना कि ध्यान क्या है, अपने में होना, कुछ ना करना। गाढ़ी नींद में आप कुछ नहीं करते, लेकिन कितने आनंद में रहते हैं। कहते हैं भैया आज इतना आनंद आया, ऐसी नींद लगी, बड़ी शांति मिली। क्यों? उस समय आप दुनिया में नहीं थे, उस समय आप अपने में थे, स्वयं में, सेल्फ। इसलिए गाढ़ी नींद को सुषुप्ति कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में सुषुप्ति की परिभाषा दी गई, स्व अपीति। स्व पीति, स्व अपीति, स्व खुद। पीत या अपीति का अर्थ होता है पाना, अपने को पाना, अपने में होना, पूरी शांत, प्रगाढ़ शांत। कहाँ है? बाहर कहीं नहीं है। वो अपने में होने में है। बाहर आप कुछ भी पालें, कुछ भी पालें, बाहर का आनंद आपको पूरा संतोष नहीं दे सकता। इंद्रियों जितने भी विषय हैं, उससे आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। वहां शांति है ही नहीं, अपने में होना है। और मैंने कहा कि उस समय हम कुछ नहीं करते, नींद में क्या करते हो? लेकिन कितने आप भगवत स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप। कहते हैं आप ब्रह्मलीन हो गए, उस समय आत्मलीन हो गए हैं, स्वरूप लीन हो गए हैं, भगवत लीन हो गए हैं। जागते जागते, जागृत अवस्था में उस दशा का अनुभव करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। वो तो नींद टूटी, फिर दुख सामने खड़ा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु करतूत, जागृत दीन मलिन अति, विकल विषाद विभूत। जीव शिव सम,
जी शिव के समान हो जाता है। समान तो कहने तरीका है, जी शिव हो जाता है। शिव मतलब मंगलमय, कृतार्थ। कब? जब सुख पूर्वक शयन करता है, गाढ़ी नींद में शयन करता है, तो जीव शिव हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। आप कह सकते हैं जीव परमात्मा हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, खुदा गाढ़ हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। क्योंकि कुछ वहां है ही नहीं। प्रपंचोप समम शांतम सीमा मध्यतम तदुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेया, ये मांडुक उपनिषद में कहा गया है। वहां पर सारे प्रपंचों का उपशमन हो गया है। प्रपंच मतलब मन की हलचल, ये मन का गलत सोचना। कुछ नहीं वहां पर, जैसे गाढ़ी में आप कुछ नहीं सोचते, ना अच्छा सोचते हो, ना बुरा सोचते हो, ना राग की बात सोचते हो, ना द्वेष की बात सोचते हो, ना मित्रता की बात, ना शत्रुता की बात, कुछ सोचना नहीं है, अपने में है। इसलिए आप शिव हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन सपने कछु करतूत, जब सपना देखते हो कुछ करतूत हो जाती है। किसी मिल रहे हो, बिछुड़ रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, है वो क्षणिक। लेकिन सपना देखते समय लगता है कि मैं बिल्कुल सही देख रहा हूं। सपना देखते समय कभी आपको लगा है कि मैं सपना देख रहा हूं? वो तो जागने में पता चलता था सपना देख रहा था, उसमें लगता है बिल्कुल यथार्थ। और कहीं जब नींद खुल गई, तब जैसे नींद खुली, दुनिया भर की पीड़ा से मन भर गया, दुख जैसे जागे, क्रोध सामने आ गया, ईर्ष्या सामने आ गई, चिंता सामने आ गई, भय सामने आ गया, घृणा सामने आ गई। अरे और तो दूर दूर कितने ऐसे लोग हैं जिनको जैसे जागते ही तंबाकू की याद आती है, या बीड़ी सिगरेट गुटखा की याद आती है। कहां अपने में रह गए, बेच दिए अपने आप को। तो ध्यान का अर्थ क्या है? रिटर्न टू सेल्फ, अपने में लौटना, अपने में होना, कोई दुख नहीं। यदि सचमुच में दुखमुक्त जीवन जीना है, दुख से रहित, और दुख किसी को प्रिय नहीं है, तो ध्यान, भोजन से ज्यादा ध्यान को आप वरीयता देंगे। भोजन क्या हो सकता है, लेकिन कैसा भी भोजन खा लो मन का दुख तो नहीं मिटेगा ना। अनेक बार खाए, कितना मीठा दुख का आप मन का। दुख रहित जीवन, क्लेश रहित जीवन जीना है तो ध्यान ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। जो सचमुच का ध्यानी हो जाएगा, उसके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान, सचमुच का ध्यान तब लगेगा जब हमारा व्यवहार सुंदर होगा, प्रेम पूर्ण होगा। बिहार में कड़ता है, बिहार में द्वेष है, बिहार में शिकायत है, पत्नी से झगड़ रहे हो, पति से झगड़ रहे हो, भाई बंधु से झगड़ रहे हो, किसी से भी झगड़ कर रहे हो, कड़ता पूर्ण व्यवहार, छल पूर्ण व्यवहार, कपट पूर्ण व्यवहार, धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार, लोभ और स्वार्थ में पड़कर व्यवहार, कभी ध्यान लगने वाला नहीं है। प्रेम, सेवा, समर्पण, इन सबसे जब चित मन का कालुष्य धुलेगा, मलिनताएं दूर होंगी, मन निर्मल होगा, तब ध्यान लगेगा। जितना ध्यान लगेगा बढ़िया हमारा, उतना हमारा व्यवहार बढ़िया हो जाएगा।
और जितना व्यवहार बढ़िया होगा ध्यान में उतनी सरलता होगी। ये बात हमें अपने मन में बैठा करके रखना होगा। इसलिए हर काम को आप पूजा समझ करके करो, हर आदमी से अच्छा से अच्छा व्यवहार करो। इस ढंग से व्यवहार करना होगा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो, इस आखिरी मुलाकात है तो इस मुलाकात को प्रेम से हंस करके प्रसन्नता से व्यवहार कर ले। ये भाव जब मन में बना रहेगा ना, तब मन की दशा ठीक होगी, और दशा ठीक होगी तब ध्यान बढ़िया होगा। तो थोड़ी चर्चा मैंने ये की, ध्यान का अर्थ है जागरूकता, ध्यान का अर्थ है मन की एकाग्रता, ध्यान का अर्थ है शक्ति का संचयन, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना, और ध्यान का अर्थ है अपने में होना, अपने में लौटना। और उसी के लिए हमारा सारा प्रयास है, जो कुछ हम एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए ही है। उसी को एक सीखने के लिए ये एक शिविर का आयोजन है। आगे और आने वाले दिनों में इन पर विस्तार चर्चा होगी। अभी 10 मिनट का समय है, बत्ती बुझा दो, सब लोग सावधान होकर के ध्यान में बैठो।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। कुछ लोग पहली बार आए हैं, उन्हें याद नहीं होगा, ध्यान से सुने और आप फिर उसके पश्चात दोहराएं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम्। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम्। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम्। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम्। साप्ताहिक ध्यान शिविर का पहला दिन और पहला सत्र समाप्त होने जा रहा है। समाप्ति के पूर्व अभी विवेक जी आपको कुछ सूचनाएं बताएंगे, कुछ निर्देश और कुछ ड्यूटी सुने, उसके पश्चात आप यहाँ से उठेंगे।